आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक मेरे जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं एवं युवा साथियों, आप लोगों की मेहनत से, प्रेम और श्रद्धा से परम पूज्य गुरुदेव जी के कार्यक्रम, आप लोगों की मेहनत बहुत कड़ी है, इसके लिए संत समाज की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनात कुछ देर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब की बहुत सरल सी साखी है, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जीवन बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। सहेबी साखी में पांच बातें बताए हैं, सकलो दुर्मति दूर करो। साहब कहते सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धियों को दूर करो। दुर्बुद्धि के ही कारण आदमी एक दूसरे से लड़ते हैं, दुर्बुद्धि के कारण ही एक दूसरे से आदमी छल कपट बेईमानी करते हैं, दुर्बुद्धि के कारण ही पिता पुत्र से लड़ते हैं, सास बहू, देवरान जेठान, राष्ट्र अंतरराष्ट्र में जो लड़ाइयाँ हो रही है, ये सारी दुर्बुद्धि के कारण ही। अगर हमारी बुद्धि सही हो जाए तो हम कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। कुबुद्धि और सुबुद्धि, कुबुद्धि लग जाती है तो कुबुद्धि यानी गलत रास्ते, गलत विचार, गलत संस्कार, और सुबुद्धि सुसंस्कार, अच्छे विचार। आदमी कुबुद्धि के कारण ही शराब पीते हैं, कुबुद्धि के कारण ही अंडा मांस मछली खाते हैं, कुबुद्धि के कारण ही आदमी गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बेविचार करते हैं, दूसरी की माँ बहन बेटियों पर जो कुदृष्टि डालते हैं, ये सब क्या है? कुबुद्धि का लक्षण। जिनकी बुद्धि सही हो जाए तो क्या वह आदमी कभी गलत कर सकता है? अगर किसी को कहा जाए कि भाई तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम जाकर ठीक कर लो, तो आदमी नाखुश हो जाए, आदमी नाराज हो जाएंगे। बंधुओं सच बताओ, अक्सर आदमी की बुद्धि खराब ही है। अगर हमारी बुद्धि सही होती तो क्या सास बहू में, देवरान जेठान में लड़ाइयाँ होती? पिता पुत्र में लड़ते, एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठते कि प्रेम से जीते? ये सब कुबुद्धि का लक्षण है। और बुद्धि ठीक करने का रास्ता संत गुरुजन ही है, संतों का शरण ही है, सत्संग ही एक माध्यम है कि आपकी बुद्धि ठीक करे। पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, वहाँ भी आदमी की बुद्धि ठीक करने की फैक्ट्री नहीं है, कोई मशीन नहीं है, वह संत गुरुजन है। आप संतों की शरण में जाए, संतों को विचार को सुने, तब आपकी बुद्धि ठीक होगी। साहब कहते सारी दुर्बुद्धियों को दूर करो और जीवन को अच्छा बनाओ। अभी हम सब भजन सुन रहे थे, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। क्या हम अपने जीवन को सुंदर बना पाते हैं? हम जिस प्रकार से अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं, घर मकान सारी चीजों को हम सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम जीवन को सुंदर नहीं बना पाते हैं। एक नवयुवक है, वो सोचता हमारा चेहरा सुंदर हो, सब लोग पसंद करे। आज हमारे युवा साथियों फैशन के युग में बाल कटाते हैं, जैसे लगता है कि इधर भी पाकिस्तान का बॉर्डर, इधर नेपाल, अब बीच में इंडिया खड़े हैं, ऐसे ऐसे बाल कटाते हैं। ये क्या है? आदमी जो है जीवन को सुंदर नहीं बनाना पाते हैं, चरित्र को सुंदर नहीं बनाते हैं, शरीर को सुंदर बनाते। बंधुओं किसी शायर ने बहुत ही सुंदर कहा है, बहुत ही सुंदर कहा, आसमान की शोभा सुन से नहीं सितारों से है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है, मनुष्य के शोभा उनके रंग रूप से नहीं सत विचार और सत कर्मों से है।
आज हमारी माताएं लोग भी चेहरे को सुंदर बनाती, ना जाने क्या क्या नेल पॉलिश, पता नहीं क्या क्या होठों में लगाती है, जो सही चेहरे उनको बेकार करती है। आप जिस प्रकार से अपने चेहरे को सुंदर बनाती हो, शायद वैसे अपने जीवन को सुंदर बनाने का कल्पना करते हैं। भले कल गुरुदेव जी बता रहे थे, पूजा चित्र के नहीं चरित्र की होती है, पूजा चित्र की नहीं चरित्र की होती है। आज ईश्वरिया राय की पूजा कौन करते हैं, कौन उसे धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, कौन हीरो हीरोइन के सामने पूजा अर्चना करते हैं, कि संत देखने में कोई सुंदर नहीं होते हैं, उनके जीवन को लोग आदर्श में उतारने का प्रयास करते हैं। आपका चेहरा भले ही काला हो, लेकिन आप दिलवाले बने, भले आप नाटे हो, लेकिन आप अच्छे इंसान बनिए। आप अगर अच्छे इंसान बनेंगे तो आने वाले आपकी जो बच्चे हैं वो भी संस्कारी बनेंगे। जिस प्रकार से हम घर मकान सारी चीजों को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, वैसा हम अपने जीवन को नहीं बना पाते हैं। ये तीन पेज की डायरी हर आदमी को मिला हुआ है, इसको हम कैसे सजाए, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझे। तीन पेज का डायरी बुद्ध, महावीर, नानक, पलटू, अनेक महापुरुषों का तीन पेज का डायरी मिला, और रावण को भी तीन पेज का ही डायरी मिला, बुद्ध को भी तीन पेज का ही डायरी मिला। और इन तीन पेज में हमें क्या भरना, दो पेज तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बीच वाला जो पेज है, पन्ना है, वो हमारे हाथ में है। जैसे कहाँ जन्माना था, कहाँ पैदा होना था, मेरे माता पिता काले होंगे कि गोले गोरे होंगे पता नहीं था, और गरीब घर में पैदा होना था कि अमीर घर में, ये भी मेरे हाथ में नहीं था, और मृत्यु कहाँ होगी, कहाँ मरेंगे, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। बंधु, बीच का जो पेज मिला हुआ, बीच का जो जीवन है, उसको हमें कैसे बनाना है, उसको इसमें हमें दुर्गुण भरना है कि सद्गुण भरना है, मानवता का बीज बोना है कि दानवता का बीज बोना है, सद्गुण का बीज बोना है कि दुर्गुण का बीज बोना है, वे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा खुद बन जाते हैं। आप अपने विचार को सही कर लीजिए। सदगुरु कबीर ने कहा ना, करहो विचार जो सब दुख जाई, तुम विचार करो, तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, तुम इसे कैसे सजा पाओ। आदमी जब तक जीता है, कहा गया मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, रोते रोते जन्मता है, और जीता है शिकायत करते करते, और मरता है पछताते पछताते। मानो आदमी की जीवन की यही कमाई है, रोने के लिए पैदा लिए, और शिकायत करने के लिए, और लास्ट में मरो तो पछताते पछताते, यही आदमी के जीवन की कमाई है। ये आदमी के जीवन की सफलता नहीं है, जीवन की सफलता है जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से हमें समझदारी बढ़नी चाहिए, विवेक बढ़ना चाहिए, वैराग बढ़ना चाहिए, हमारे अंदर चिड़चिड़ाहटपन कम होना चाहिए, शांति की स्रोत आनी चाहिए, वैराग बढ़ना चाहिए। लेकिन जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र के हिसाब से शिकायत करते हैं। ससुर कहते बहुत ठीक भोजन नहीं बनाते हैं, बहुत ठीक नहीं, बहू कहती ससुर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, क्योंकि आपने अपने जीवन में कांटे बटोरे हो, जो आप अपने बचपन में कमाई करोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप अपने जीवन को सुख और शांति पूर्वक जीना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को पहले ही सुंदर बना लीजिए। जीवन रहते हुए बना लो अपने जीवन का लक्ष्य, अगर यह समय बीत जाएगा फिर आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अभी जो अवसर मिला हुआ है, अभी जो समय है, इसी समय आप अपने जीवन को सुंदर बना लीजिए, अपने आप को सुंदर बना लीजिए। जब आप इस संसार से जाए तो आपकी आंखों में आंसू न हो। काश हमें जैसा जीवन जीना चाहिए वैसा नहीं जी पाए, जो करना चाहिए वैसा नहीं कर पाए। मैं एक उदाहरण के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी मकान बनाने का काम करता था, इंजीनियर था, सुंदर सुंदर मकान बनाता था, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाता था। उन्होंने एक दिन एक संतों का प्रवचन सुना, उन्हें मन में आया कि हमें अब जो है अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए। वो अपने मालिक से कहता है,
कि भगवान अब मैं मकान नहीं बना पाऊंगा, अब मैं संतों की शरण में ही अपने जीवन को जीऊंगा, अपने जीवन को जीऊंगा। के मकान मालिक ने कहा कि ठीक है, तुम जाना चाहते हो तुम चले जाना, लास्ट में तुम एक मकान और बना दो, इसके बाद तुम चले जाना। वो इंजीनियर को बनाने का मन नहीं था, लेकिन मालिक कह रहे तो बनाना ही पड़ेगा। उन्होंने मकान बनाने का प्रयास किया, मकान बनाया, लेकिन जिस ढंग से बनाना चाहिए वैसे नहीं बना पाया। सुंदर देखने में भले ही सुंदर था, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर था। जैसे आदमी देखने में तो बाहर से चकाचक रहता है, अंदर से काला काला कुवार भरा रहता है, कचड़े की गट्ठर बांधा रहता है, विषय वासनाएं की पोटली बंधी पड़ी रहती है। तो वैसे ही मकान तो दिखने में सुंदर था, अंदर से बहुत कमजोर था। मकान मालिक ने कहा, तुमने मेरे पास 500 साल अपने जीवन को बिताए हो, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से विदा करना चाहता हूँ। लोगों को बुलाए, पार्टी रखी, पार्टी रखने के बाद लोग आए, भंडारा किए, सब कुछ किए, और वो मकान बनाने वाले इंजीनियर को विदा करना चाहो। सभा में मकान मालिक ने कहा कि तुम्हें मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या तुम स्वीकार करोगे? कहा, भगवान आप जो भी दोगे, जहर भी देंगे तो मेरे लिए अमृत ही होगा, मैं स्वीकार करूंगा। वो आदमी सबके सामने में वो मकान मालिक वो मकान की चाबी गुच्छे को वो इंजीनियर को हाथ में देते हुए कहा, जो तुमने जो लास्ट में मकान बनाए हो ये मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ, ये मकान में तुम रहो, तुम्हारे लिए मैं बनवाया। जैसे वो आदमी को मकान की कमरे की चाबी गुच्छे हाथ में आता है, वो आदमी रोना शुरू करता है। उसके मित्र ने पूछा, भाई तुम रोते क्यों हो, तुम्हें तो मकान मिला, नहीं मकान मिला तुम्हें खुशी मिलना चाहिए, प्रसन्नता का फूल खिलना चाहिए, आनंद से आपका मन भर जाना चाहिए, आप रोते क्यों हो? वो आदमी क्या कहते, बंधु जरा हम विचार करें। उस इंजीनियर ने कहा, काश अगर मुझे पहले पता होता ये मकान मुझे मिलता तो मैं दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग मैं बनाता, काश अगर पहले मुझे पता होता। बंधुओं, ये कहानी का सार इतना ही है, हम लोगों का जीवन में जब दुख आता है, पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलता है, संसार में कोई सहारा करने वाला नहीं होता है, तब हमारे जीवन में आंसू का सिवा और कुछ नहीं मिलता है, तब हम भी कहते, काश अगर पहले मुझे पता होता तो हम भी अपने जीवन को सुंदर बनाते, अपने आप को सुंदर बनाते। जीवन के अर्थी से पहले आप अपने जीवन को अर्थ समझ जाइए। आप जैसे जीवन को जीना चाहते थे वैसे आप जी लिए तो मानो आपकी जीवन की सार्थकता है। जैसे कोई व्यापारी 10,000 रुपया लेकर व्यापार करना शुरू करता है तो 10, 12, 13, 14, 15 हजार हुआ तो उसको फायदा माना जाता है। जैसे 10 लगाया तो 8, 5, 6 हुआ तो उसको घाटा माना जाता है। तो हमारी जीवन की कमाई किस में है? जब हमें शांति मिलती है, आत्मतृप्ति होती है, संतोष मिलता है, तब मानो आपकी जीवन आपने सही तरीका से जिए। जब आपके जीवन में दुख मिलता है, आपकी जीवन से आंखों से आंसू गिरता है, तो आपने अपने जीवन को सही तरीका से नहीं जिए। चाहे वह साधु का जीवन हो, चाहे गृहस्थ का जीवन हो, चाहे शर्ट फुल पेंट वाले को हो, चाहे उजले कपड़े वाले को हो, जिनकी मन में अगर गलानी है, पश्चाताप है, तो वो आदमी अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जिए। तो मैं अधिक न कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय साहेब।